आप सब लोगों को हमारे YouTube चैनल नॉलेज दुनिया में स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑनलाइन जीके टेस्ट 35 लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी यूपीएससी, एसएससी, बैंक या रेलवे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा शुरू से लेके अंत तक देख लीजिए, आप बहुत कुछ चीज जान जाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हम आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर भी बताएंगे, और अंत में आप लोग चेक करके बताना कि आप ये 10 सवाल में से कितना ठीक कर पाए हो। ये रहा पहला सवाल, रेडियम की खोज किसने किए थे? इसका चार ऑप्शन है, ए सीवी रमन, बी हरगोबिंद खुराना, सी मैडम क्यूरी या डी होमी जहांगीर भाभा। अगर आप लोग सोचना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो, उसके बाद अपना उत्तर चेक कर सकते हो। इसका उत्तर है सी मैडम क्यूरी। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। ये रहा दूसरा सवाल, 2018 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का नाम क्या है? इसका चार ऑप्शन है, ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोनेल मेसी, सी लुका मॉड्रिक या डी सुनील छेत्री। इसका उत्तर है सी लुका मॉड्रिक। तो 2018 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का नाम है लुका मॉड्रिक। ये रहा तीसरा सवाल, जापान देश की मुद्रा यानी करेंसी का नाम क्या है? इसका चार ऑप्शन है, ए डॉलर, बी युआन, सी येन या डी रूबेल। इसका उत्तर है सी येन। तो जापान देश की मुद्रा यानी करेंसी का नाम है येन। ये रहा चौथा सवाल, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी पोर्ट भारत के कौन से राज्य में है? इसका चार ऑप्शन है, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा या डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है बी महाराष्ट्र। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी पोर्ट भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। ये रहा पांचवा सवाल, हाल ही में एचडी कुमार स्वामी किस राज्य के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर बने हैं? इसका ऑप्शन है, ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है सी कर्नाटक। तो हाल ही में एचडी कुमार स्वामी कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट कैसा चल रहा है? अगर आपने अभी तक पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आपसे गलती भी हो गई है तो फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप बहुत कुछ चीज जान रहे हो। ये रहा छठा सवाल, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? इसका ऑप्शन है, ए 30, बी 32, सी 36 या डी 40। इसका उत्तर है सी 36। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। ये रहा सातवां सवाल, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 कौन से देश में आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन है, ए भारत, बी वेस्ट इंडीज, सी ऑस्ट्रेलिया या डी न्यूजीलैंड। इसका उत्तर है डी न्यूजीलैंड। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 न्यूजीलैंड देश में आयोजित किया गया था। अगर आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये रहा आठवां सवाल, नोबेल पुरस्कार किस साल से शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन है, ए 1900, बी 1901, सी 1950 या डी 2001। इसका उत्तर है बी 1901। तो नोबेल पुरस्कार साल 1901 से शुरू हुआ था। ये रहा नौवां सवाल, संविधान सभा किस दिन जनगण मन को हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप से अपनाया था? इसका ऑप्शन है, ए 26 जनवरी 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 या डी 26 जनवरी 1950। इसका उत्तर है डी 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को जनगण मन को हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप से अपनाया था।
ये रहा 10वां सवाल और आखिरी सवाल इस ऑनलाइन टेस्ट का। भारतीय वायुसेना की स्थापना किस दिन हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 8 अक्टूबर 1948, बी 8 जून 1930, सी 8 अक्टूबर 1932 या डी 26 जनवरी 1950। इसका उत्तर है सी 8 अक्टूबर 1932। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। आप लोगों को ये ऑनलाइन टेस्ट कैसा लगा और आप ये 10 सवाल में से कितना ठीक कर पाए हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हो सके तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।